आजा 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 आजा, बस रुक जा, रुक जाओ, बस बस बस। बच्चों बेंच को वहां ले जाओ और तुम सब बेंच पर पैर रख के ऊपर चढ़ो, चलो। अरे ठीक से ऊपर चढ़ाना संभाल के, चलो जल्दी चढ़ाओ भाई। कैसा है तू और अपना वाइस प्रिंसिपल कैसा है? ठीक ही है, अगली मीटिंग कब? यार बच्चे बहुत बढ़ गए, लेकिन ये अच्छी बात है। हर बच्चे पे 50 रुपए बढ़ जाएंगे अब, उनके माँ बाप की मांग है। अरे अगली बार बढ़ा दूंगा ना, और मेरे बारे में भी सोचो कुछ। तेरे को हर बच्चे का 200 मिलता है, उसमें तो कुछ हाथ मारता ही होगा। मैं क्या होता सही कहा ना, कितनी महंगाई है। 1 2 3 4 ओ ठहरो ठहरो, आप लोग स्कूल के समय बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? इस टीचर ने अभी जॉइन किया, अभी ऐसा बोलता है। ठहरो, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो 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 चल चल ऊपर चल। देखो तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, ऊपर चढ़ जाओ। अरे उसे संभालना, कह रहा है चल 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 चल। लेकिन तुम लोग फिजूल की बातचीत करना बंद करो। मैं सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाने आई हूँ। यहाँ दाखिला करवा रही हो, दूसरा स्कूल नहीं मिला? जाहिर है सुन के एहसास तो होगा ही, वो स्कूल नहीं मच्छी बाजार है। जिधर भी देखो चारों ओर कचरा फैला हुआ है, शोर इतना कि कान के पर्दे तक फट जाते हैं। जात के नाम पर टोली बनाकर सारे बच्चे एक दूसरे से हाथापाई किया करते हैं। वहाँ के सारे टीचर्स अपनी मन मर्जी चलाते हैं, जैसे वो उनका घर हो। वैसे सरकारी स्कूलों की हालत एक जैसी ही है, और ये सरकारी स्कूल तो सबका सरपरस्त बना हुआ है। स्कूल इसलिए बनाए जाते हैं जहाँ बच्चों को अच्छी तालीम मिले। इस स्कूल की खासियत ये है कि अगर यहाँ बच्चे पढ़ेंगे तो उनमें दुनिया भर की बुरी आदतें आ जाएंगी। इस शहर का नाम पुथूर है और ये स्कूल पत्थरों के जमाने का स्कूल लगता है। वहाँ देखिए, ये वही जगह है जिसकी मैं अभी तारीफ कर रहा था। इतना बताने के बाद भी आप यहीं दाखिला कराएंगी? जाइए शौक से जाइए, आज के जमाने में किसी को मुफ्त की सलाह नहीं देनी चाहिए। खाते में लग गया मेरे। पास कर पास कर पास कर, जल्दी जल्दी देना। अरे इधर इधर, हां यहां पर यहां पर। अरे वो टांग से भी नहीं खेलता है क्या? अरे कैच भी नहीं पकड़ सकता क्या? कैच भी नहीं पकड़ सकता क्या? क्यों रहे हो? बिना हल्ला गुल्ला के खेलो। बाहर मिलना मुझे, फिर देखता हूँ। मुझे बताना ये कैसे बनाया? अच्छा, इनका नाम याद रखना है, ठीक है? तुमसे बाद में पूछूंगी। वो विदेशी थे और हमारे वतन को लूटने आए थे, ये बात तुम्हें अच्छी तरह से याद रखनी होगी। Yes, teacher. बहुत अच्छे, अब बताओ नाम क्या था? Karen Paris Prabhu. बहुत खूब, अब हम साल याद रखने की कोशिश करेंगे। काम कैसा चल रहा है? काम धंधा ठीक चल रहा है। अच्छा, मैं तो बस साइन करने आया था, फिलहाल दुकान में कोई नहीं है, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है चल। Excuse me. सुबह की प्रार्थना नहीं होती? तुम्हें उससे क्या लेना देना? दाखिला करवाना है। बाहर जाकर वेट करो, वाइस प्रिंसिपल आ जाए तो उनसे चिट्ठी ले लेना, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म दूंगी। यहाँ तो कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। हाँ हाँ नहीं है कोई प्रिंसिपल, मेरे सर पर मत खड़े रहो, जाओ, वाइस प्रिंसिपल मुझे डांटेंगे। बाहर चलो। सुकून से मोबाइल भी नहीं देखने देते। नमस्कार सर। हाँ, बिजलियों के बिल की बकाया चुका देना। हम भर देंगे सर। जी सर। मीना, एक नजर इधर भी। आप खड़े खड़े मुझे ताक क्यों रही हैं? रास्ते से हटिए, मुआयना कर रही है क्या? यूं ही आ जाते हैं कहीं से। गुड मॉर्निंग सर।
ए वाइस प्रिंसिपल आ गए हैं, चलो बात कर लो। बताइए क्या काम है? इस बच्ची का दाखिला करवाना है। महीना बीत चुका है स्कूल शुरू होके, अभी दाखिला कराने आई है। कौन सी कक्षा में? छठी में। ढाई हजार किस लिए? सरकारी स्कूल तो 230 रुपए लेते हैं। प्राइवेट स्कूल में जाएंगी आप तो 1 लाख की रिश्वत देनी पड़ेगी आपको। एक महीने बाद आई है तो ये रकम ज्यादा नहीं है। इसका दाखिला कराना है तो ये रकम देनी पड़ेगी, नहीं तो दफा हो जाइए। तुम इस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं, तुम्हें यहाँ बिठाया किसने? ए, क्या बक रही हो? मेरी तौहीन कर रही हो? मेरी बात सुनकर गुस्सा आ गया ना? तमीज से पेश आओ वरना मुझे भी गुस्सा आता है। अरे वाह, तो आपको भी गुस्सा आता है मोहतरमा? इतना गुस्सा आता है तो इसका दाखिला कहीं और करवा ले। किसी ने सिफारिश की ना तो मैं इसका दाखिला रुकवा दूंगा। अब दफा हो जा, ये कोई खैरात खाना है जो खैरात बट रही है। मैं गीता रानी, आज से स्कूल की नई प्रिंसिपल। 9 बजते ही सबको स्कूल आना होगा। 9:05 को स्कूल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। दीवार कूदकर कोई नहीं आएगा। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। घंटी बजने के बाद अगर कोई भी टीचर क्लासरूम में नहीं पहुंचा तो उसे मेरी ओर से नोटिस मिलेगा। ममता जी मैडम, 3 नोटिस के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। जो टीचर्स रजिस्टर में साइन करने के बाद क्लासरूम में नहीं बैठेंगे उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट होगी। बर्खास्ती की फरमाइश मैं करूंगी। ओ, लगता है अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ए बेटी, स्कूल स्कूल की तरह होना चाहिए। टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं। अपने क्लास में जाओ। मैडम, सभी टीचर्स को आपसे मिलवाने के लिए यहाँ बुला लूं? कितना टाइम जाएगा? 1 घंटा लगेगा मैडम। तो उस वक्त क्लास में कौन रहेगा? जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद पूछ लूंगी। सबको बता दो अपनी अपनी क्लास में जाए। जी ओके मैडम। ममता जी मैडम, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इनका शेड्यूलिंग अभी तक हुआ नहीं है मैडम। इनका शेड्यूल बनाकर अभी इनके हाथ में दे दो और इनसे कहो कि वक्त पर क्लास में जाया करें। यहाँ टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं। ओके मैडम। नमस्ते मैडम। ये सब क्या है? आपके इजाजत के बिना कोई अंदर ना आ सके इसीलिए। मंदिर में जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती, वहां कोई भी आ जा सकता है। निकाल दो उसे। ठीक है मैडम। अरे बाप रे, यहाँ तो सब बिखरा पड़ा है, मैडम कैसे बैठेंगी? अभी सफाई वाले को बुलाकर सब साफ करवा देता हूँ मैडम। इनका दाखिला हो गया है मैडम, प्लीज साइन कर दीजिए। इसे रोज स्कूल आना पड़ेगा। ठीक है मैडम। जाओ बेटा। चल बेटा। क्या हुआ? सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था आप प्रिंसिपल हैं। ये सब तो पढ़ाई में लगे हुए हैं। मैं कुछ खा लेता हूँ, मुझे इन सब से बच के रहना होगा। अगर देख लिया तो सारे छीन कर खा जाएंगे भूखड़ कहीं के। इमली। ए, ए, वाइस प्रिंसिपल सर आ गए। सर, सर, आइए ना सर, आइए आइए। 6 महीने में पहली बार सर के कदम यहाँ पड़े हैं। अरे ए, सर को जगह दो, सर को, सर को। सर हमने बेंच ठीक करवा दिए हैं, पहले इसमें बहुत सारी कीले थी, अब आपको चुभेंगी नहीं, आराम से बैठ जाइए। ये
ये अपने आप को कोई शहजादी समझती है और उसे लगता है कि हम उसकी गुलामी करेंगे। पकड़ा गया, अखरोट खा रहा हूँ सर, मुँह से दू थोड़ी सी। ए। निकाल के दू? मैं ऐसी फालतू चीज नहीं खाता। अबे तेरे तो दांत भी नकली हैं। ममता तो उसकी हर बात मानने लग गई है। चलो क्लास में जाओ। क्यों तुम लोग जाओ अंदर। ये यहाँ के प्रिंसिपल हैं, अपने क्लास में जाओ। टेंशन नहीं चाहिए इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मेरे बाप को जानती नहीं क्या? बकवास करता है, जाओ। इससे कहो कि कल अपने बाप को साथ में ले आए। जी मैडम। सिगरेट ले और चलता बन। अच्छा तो आप यहाँ की नई प्रिंसिपल हैं? तुम स्कूल के 500 मीटर की दूरी के आसपास सिगरेट और गुटखा नहीं बेच सकते। फौरन इस दुकान को हटा दो। ये शिक्षा बच्चों को दीजिए, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? ये गलत कर रही हैं। रुकिए। ठीक है मैडम, आज से ये कुछ नहीं बेचूंगा, अपने मुल्क चला जाऊंगा। कितना नुकसान कर दिया। ए, ए सन्ना, क्या हुआ है? नहीं टीचर ने दुकान वाले का हाथ मोड़ दिया और दूसरे हाथ से एक घुसा मारा, फिर उसके बाद पैर से एक किक मारा तो दुकान वाला उड़ के बहुत दूर जा गिरा। तूने देखा क्या? हाँ यार सच में मैंने देखा। अरे बाप रे, अब तो मुझे लड़कियों से बात करना बंद करना पड़ेगा। अच्छा किया इसने मुझे बता के। मुझे भी अच्छा लगा। नहीं नहीं बस। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये बहुत स्मार्ट है ना, तो मेरा टिफिन लेना, लेना। मैं आ सकती हूँ? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। अरे बैठ जाओ। शेयर करो। नहीं करना? आप ले लीजिए ना मैडम। दो। ये थोड़ा सा, ये टेस्टी है, ये भी लीजिए ना मैम। ये फिश करी लजीज है, कौन लाया? मैं लाई हूँ टीचर। अपनी मम्मी से कहना बहुत अच्छा बनाया है। जी बता दूंगी। चलो अपना अपना नाम बताओ। मैं शीतल हूँ। मेरा नाम दीपिका है। और मेरा नाम फरहाना है। मेरा नाम आशिका। मेरा नाम चित्रा है मैम। मैं गीता रानी। ओके गीता टीचर। सिर्फ गीता कह सकते हो, फ्रेंड्स को नाम से बुलाते हैं ना। लेकिन याद रखना सबके सामने नहीं। हाँ, ओके गीता। चलो खाओ। अरे मैडम आ गई। अरे भागना। अरे भाग भाग, अरे बहुत मारेगी। अरे अरे भाग क्यों रहे थे? आराम से आराम से। अरे ये बुरी नहीं, अच्छी है और सुंदर भी है। मुझे देखकर भाग क्यों रहे थे? मैं क्या कोई डायन जैसी लगती हूँ? जब कोई गलत काम नहीं किया तो किसी से भागने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए ना? कौन सी क्लास में हो? दूसरी में। नाम क्या है तुम्हारा? श्याम। श्याम। जो कसम है मुझे तुम्हारे इस प्यार की, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की परी हो। सिर्फ दिन और तारीख बदलती है, अखबार की खबर देखकर लगता है कि बीते दिन की जेरॉक्स कॉपी है। कॉफी मांगने के बाद कहाँ चले गए थे? मैं बाहर गया था पेपर और केबल वाले का नंबर लेने के लिए। तुम बताओ आज स्कूल कैसा रहा? बेहतर था। लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना है,
लोगों ने बताया कि यहाँ गुनाह बहुत होते हैं। हर महीने कम से कम एक कत्ल तो होता ही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। अगर टीचर्स को जिम्मेदारियाँ उठा लें तो पुलिस की मेहनत कम हो सकती है। सही फरमाया तुमने, बातचीत में तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। कॉफी टेबल पर रखी है, मैं पी लूंगा बेटा। बच्ची का दाखिला हो गया ना, तो फिर आपको स्कूल जाने की क्या जरूरत है? मैं भी वहाँ नौकरी पर लग गई हूँ। क्या कहा, ऐसे स्कूल में नौकरी? कैसी नौकरी? ओहो, तो आप वहाँ पर काम करती हैं? चलो तब तो दुरुस्त है। मुझे लगा आपने वहाँ पढ़ाने का काम तो नहीं शुरू कर दिया। एक खास बात बताओ मोहतरमा, इस देश के पिछड़े होने की वजह है यहाँ के टीचर। वो अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि रिश्वत लेना एक जुर्म है। आपको क्या लगता है मोहतरमा, टीचर स्कूल में पढ़ाने आते हैं? वो सिर्फ स्कूल में अपनी तनख्वाह और रिश्वत लेने के लिए आते हैं मोहतरमा। अगर सरकार उनकी तनख्वाह आधी कर दे तो बहुत सारे टीचर भाग जाएंगे। वैसे भी कौन से ये टीचर स्कूल में पढ़ाने के लिए आते हैं? आप कहाँ खो गई मोहतरमा? अगर आप चाहें तो मैं रोज आपको ड्रॉप और पिकअप कर सकता हूँ। ये लीजिए पैसे। जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैडम। आपका नाम सुशीला है ना? जी हाँ, आप मुझे जानती हैं? मैंने आपके बारे में कुछ बातें सुनी हैं। आपसे कहा गया था कि आपका प्रमोशन तभी होगा जब आप ट्रांसफर लेंगी, पर आपने इनकार कर दिया। 33 साल से आप यहाँ शिक्षिका हैं। आशीर्वाद दीजिए। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं? मेरा आशीर्वाद है। All of you, good morning. सुबह की प्रार्थना के नए नियम हैं। घंटी बजने के बाद 5 मिनट के अंदर सभी लोग ग्राउंड में जमा होंगे। एक गाना प्ले किया जाएगा और वो गाना सुनकर आप सबको डांस करना होगा। अगर शिक्षक चाहें तो वो भी नाच सकते हैं। इसे कहा जाता है वार्म अप सॉन्ग। प्ले। अब से इतवार को भी स्कूल चालू रहेगा। आपकी मर्जी हो तो आप आ सकते हैं, पर मैं रोज आऊंगी। अगर आप में कोई हुनर है, जैसे सिंगिंग, डांस या फिर कुछ और, उस हुनर को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहें तो लिखकर उस बॉक्स में डाल सकते हैं। इस बॉक्स का नाम है संडे बॉक्स। हम साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। हर रोज किसी एक शिक्षक पर इसकी जिम्मेदारी होगी। किसी एक शिक्षक को ही सारे रूल्स मैनेज करने होंगे। अगर कोई गड़बड़ होती है तो सारी जिम्मेदारी उस शिक्षक की होगी। चलिए मेरे बात दोहराइए। खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, दुनिया को दिखा देंगे, दुनिया को दिखाएंगे। खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, दुनिया को दिखा देंगे। चलो यहां से। गुड मॉर्निंग सर। सर, वेलमपट्टी में हमने जो नया स्कूल खोला है ना, ये वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। इन्होंने वहाँ के 12-13 बच्चों का दाखिला हमारे स्कूल में करवाया है। ये उसका कमीशन लेने के लिए आए हैं। बहुत खूब, इनको 15% दे दो। ये खुश हो गए तो हम भी खुश रहेंगे। ठीक है सर। नमस्ते। आप यही रुकिए। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, ये खदानों के कागजात। सरकारी स्कूल में आज एक नई आवाज गूंज रही थी। कौन हो सकता है, जरा पता लगाओ। ठीक है सर। सुनो। हाँ जी सर। किसी और को वहां मत भेजना, ये काम तुम खुद ही करो। ठीक है सर। है वो औरत आ रही है ना, वही बाहर से आकर रौब दिखा रही है। सुनिए मैडम,
आप ही यहाँ की प्रिंसिपल है? मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो आप मेरे बच्चों को स्कूल में नहीं लेंगी। पता है मैं कौन हूँ? मैं यहाँ का MLA हूँ। मेरा बेटा यहाँ इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे सरकारी स्कूल में पढ़ना है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, मैं उसके खिलाफ नहीं जाता। तो तुम कौन होती हो? आजादी का कभी भी फायदा नहीं उठाया जाता। आजादी की कीमत को समझो। क्या कहा? समझा नहीं। आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं। जिसका बाप आप जैसा हो वो क्या करेगा? मैं सब संभालूंगी। आप जाइए यहाँ से। ए, किससे बात कर रही हो? ये मेरा इलाका है। ये मेरा स्कूल है। मैं स्कूल से निकलवा दूंगा। ए, ये स्कूल तुम्हारे लायक नहीं। चलो। जीरो, तुम इसी लायक हो। बिल्कुल सही कहा मैंने, तुम एक जीरो हो। तुमने अपने पापा के नाम के अलावा कभी कुछ करने की कोशिश की? कभी फर्स्ट आया हो क्लास में? कभी किसी कंपटीशन में मेडल जीता है? तुम जिंदगी में तभी आगे बढ़ पाओगे जब अपने पापा के नाम का इस्तेमाल करना बंद करोगे, वरना जीरो ही रहोगे। अपने दम पर कुछ करके दिखाओ। जब कुछ हासिल करोगे तो नाज होगा तुम पर, और अगर नहीं कर पाए तो चले जाओ यहां से बाहर। Hey! सिर्फ एक रोज में वो इतनी मशहूर हो गई मैडम। कौन सी औरत? वही मोहतरमा जो आपके स्कूल में नई प्रिंसिपल बनकर आई है। ओहो, सुना है बहुत ही सख्त है। एक ही रोज में सबकी हालत खराब कर दी। ऑपोजिशन पार्टी के MLA का बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है मैडम। MLA अपने बेटे के लिए उस प्रिंसिपल को समझाने गया, प्रिंसिपल ने उल्टे उसे ही समझा दिया। प्रिंसिपल की अभी अभी नई नई नौकरी है ना, बाद में देखिएगा आगे आगे क्या होता है। एक रोज वो भी उन जैसी हो जाएगी। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। भी कोई बात हुई? नहीं, प्रिंसिपल जो है उसने बच्चों के माँ बाप को मिलने के लिए बुलाया। सबको परेशान कर रही है। देखो कैसे चलकर आ रही है। नमस्ते मैडम, सब लोग आ गए हैं। ठीक है, शांति से बैठिए, शोर मत कीजिए। नमस्ते, मैं यहाँ की नई प्रिंसिपल हूँ। अरे मस्त फिल्म आई है। अरे धमाल है। अरे कोई चिंता की बात नहीं है, पैसे है मेरे पास। ए, ए, मैडम देख रही है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, फोन रख। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों का स्कूल के साथ एक अलग सा जुड़ाव है। जो लोग यहाँ पढ़ चुके हैं क्या वो मुझे बता सकते हैं तब से लेकर आज तक यहाँ क्या तब्दीलियाँ आई हैं? अरे क्या बदला है मैडम, सब तो पहले जैसा ही है। तो इसके लिए कसूरवार कौन है? यहाँ के MLA और MP भी किसी लायक नहीं। और कुछ? यहाँ के ऑफिसर्स यहाँ की प्रॉब्लम्स ऊपर तक नहीं पहुँचाते हैं मैडम। और भी कुछ है? यहाँ की सरकार और सिस्टम में कुछ दम नहीं है मैडम। आप लोगों ने क्या किया? जहाँ आप लोग पढ़े हैं उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? आसपास के मंदिरों को हम सजाते हैं, उन्हें सवारते हैं। सरकार तो मंदिरों के लिए कभी कुछ नहीं करती, हम ही तो करते हैं। कहाँ स्कूल कहाँ मंदिर। स्कूल उससे भी ऊपर है, गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। मंदिरों के लिए लोग दिल खोल कर दान देते हैं, स्कूल के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर आप लोग मंदिर के अलावा भी कुछ और चीजों के बारे में सोचें तो तब्दीलियां आएंगी। सिर्फ स्कूल ही नहीं, यहाँ के टॉयलेट भी साफ रखने होंगे। ये जज्बा होना चाहिए। जिन गरीबों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनसे भी कह रही हूँ, अगर आप चाहते बच्चे आगे बढ़े तो आप आगे आइए, अपने बच्चों के लिए हमारे साथ आइए, तभी आपके बच्चे कुछ कर गुजरेंगे। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। मैं बुधर के स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ। हाँ बोलिए मैडम। पिछले 4 सालों से स्कूल में फंड दिया जा रहा है पर यहाँ कोई तब्दीली नहीं। कल से काम शुरू हो जाना चाहिए, और अगर शुरू नहीं हुआ तो सारे स्कूल को लेकर PWT के ऑफिस पहुँच जाऊंगी।
अरे सर नीचे से वो ब्रश दो एक कनपट्टी। क्या सर गुस्सा करते हैं, अरे आप तो दे दो भाई। उसने काफी कुछ कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं, उसने मेन गेट का बोर्ड भी बदल दिया है। 6 महीने बाद हमारे यहाँ दाखिले शुरू हो रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक है, एक बहुत बड़ा बैनर बनवाओ और स्कूल के ठीक सामने लगा दो। जब भी कोई उसे देखेगा तो हमारे स्कूल के बारे में सोचेगा। उस इश्तिहार को देखने के बाद हर कोई अपने बच्चे का दाखिला यहीं करवाना चाहेगा, इसमें वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। बच्चों गौर से सुनना, एम इज आर, वॉज वर, शैल बी और विल बी, ये जो 12 फॉर्म्स हैं, इन्हीं से अंग्रेजी बोली जाती है। सर कहिए मैडम। मैं 3 सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ पूछे ना मैडम। इज दिस द इजी फॉर्मूला टू स्पीक इंग्लिश? जी हाँ मैडम, यही तो ग्रामर है मैम। व्हाई डोंट यू टॉक इन इंग्लिश? मैं पढ़ सकता हूँ मैडम, मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत है मैडम। 40 रोज तक 1 घंटे के क्लास करके आप सरलता से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ 12 साल पढ़ने के बाद भी बच्चों में इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, घबराते हैं वो। वजह? क्योंकि उन्हें पढ़ाने वाले टीचर खुद इंग्लिश नहीं बोल पाते। 30 रोज का वक्त है आपके पास, अगर उसके बाद आप इंग्लिश नहीं बोल पाए तो आपकी क्वालिटी चेक करवानी पड़ेगी। समझ रहे ना आप? नहीं समझे तो रूल्स बुक पढ़िए। मैं 3 सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? जरूर कीजिए। गणित में क्या क्या जरूरी होता है? जमा, घटाना, भाग, गुणा, बस इतना ही तो है। और क्या होता है? इसके अलावा गणित के बिना कंप्यूटर्स नहीं बनते, रॉकेट लॉन्च नहीं हो सकते, यहाँ तक कि घड़ी की सुई उसी के मुताबिक चलती है। गणित के बिना विज्ञान नहीं हो सकता। पहले आप सीखिए, उसके बाद बच्चों को सिखाइए। एक महीना। अगर शिक्षक खुद को अपडेट नहीं कर सकते तो फिर बच्चों को अपडेट कैसे करेंगे? अगर आप बुक को पढ़कर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो आप बच्चों को वैज्ञानिक कैसे बना पाएंगे? ये 1719 की बात है, उस वक्त वहां पर इतिहास पढ़ाया जाता है, इतिहास बनाने के लिए नहीं बल्कि ये याद दिलाने के लिए कि पुरानी गलतियां दोहराई न जाए। डू हैव हैड, आई हैव नॉट स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट। अंग्रेजी कितनी बकवास लैंग्वेज है। ये तो कमाल ही हो गया। आप तो कहते थे कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ही घर पर नोट्स बनाते हैं। तू जाकर अपनी इडली पका, मेरा दिमाग मत पका। फिर से पढ़ाई करनी पड़ रही है तो पक गए। मम्मी क्या मैडम ने आपको होमवर्क करने के लिए बोला है? चुप रहे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अब ये भी प्रिंसिपल की तरह बात कर रही है। पढ़िए पापा। जा शैतान। ठीक है। पानी O2H होता है या H2O होता है? बचपन में पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा। H2O, O2H। लगता है इसे बवासीर है इसलिए बैठ नहीं रहा। हा? अरे आज तुम कुछ खा नहीं रहे, उपवास है क्या? एक मिनट रुको, कब्ज की परेशानी है। उस औरत की वजह से करना पड़ रहा है, खामखा सबको हैरान कर रखा है उसने। मजे तो हम पीटी टीचर के हैं, क्योंकि ग्राउंड में वो आती नहीं है ना। मेरे साथ होगा तब पता चलेगा। हाँ। मेरा श्राप है ये। रंजा आदमी श्राप क्या देगा? गुड मॉर्निंग। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, लड़कियां इस तरफ और लड़के उस तरफ, तैयार हो जाओ। 1 2 मेरे मटर के दाने, मेरे मटर के दाने, 5 6 इसके बाद क्या खाऊंगा? गुड मॉर्निंग मैडम, मैं पीटी करवा रहा हूँ इन सारे बच्चों को, और काम के वक्त मैं किसी से बात नहीं करता। ओहो, पहले ड्यूटी। 3 सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? लगता है गंजे का शराब काम कर गया। 1 हफ्ते में 2 पीरियड, मतलब साल भर में 60 पीरियड्स।
इसमें इतना ही सिखाते हैं आप इन्हें? इंडिविजुअल गेम्स, क्या इन्होंने आपको टीम स्पोर्ट्स लेवल के लिए एग्जामिन किया? नहीं। तो फिर स्कूल को पीटी टीचर की क्या जरूरत है? आपको इनमें मुकाबला करवाना चाहिए। रेस में दौड़ने वाले को ही जीत हासिल होती है। जो दौड़ेगा ही नहीं वो जीतेगा कैसे? किसान के बच्चे में बहुत स्टेमिना होता है, वो मार्शल आर्ट्स और कई चीजें अच्छे से कर सकते हैं। पहले इनकी काबिलियत का पता लगाइए। आपकी बात सच है, गांव के बच्चों का हुनर बाहर आएगा तभी ये इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं। आपकी ये बात भी सच है मैडम। ये आपको करना पड़ेगा। और एक बात का जवाब दीजिए, ओलंपिक्स में कितने गेम्स होते हैं? मैनू नहीं पता सी। मैडम मैं एक महीने में सब कुछ सीख लूंगा और मैं इन्हें पीटी उषा बनाऊंगा। लड़कों को मिल्खा सिंह, आज से इनकी ट्रेनिंग शुरू। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, मेरे ईएमआई चल रहे हैं मैडम। अगर नौकरी बचानी है तो परफॉर्मेंस दिखाइए। परफॉर्मेंस? मेरी बीवी को भी यही परेशानी है। उस प्रिंसिपल का तबादला करवाना ही होगा। सुनिए सर, 2 महीने हुए उन्हें ड्यूटी पर आए हुए, अभी तबादला असंभव है। और जहाँ तक मंत्री जी हैं, वो तो आपके अजीज हैं, उनसे दरख्वास्त कीजिए। इतनी छोटी सी बात मंत्री को? मैं अपोजिशन में, वो रूलिंग पार्टी में। एक काम करें, आप खुद जाकर उनसे मुलाकात कर लें। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं उनसे मिलूं? हाँ? मैं उससे विनती नहीं करने वाला, कोई दूसरा रास्ता बताओ। अगर ये बात है तो तबादला करना नामुमकिन होगा मेरे लिए। उसे बर्खास्त ही करवा दो, मामला ही खत्म। पहले तो मुझे काफी गुस्से से देखती थी, अब कैसे मुस्कुरा रही है। समझ नहीं आता है कि इतनी जवान लड़की को प्रिंसिपल कैसे बना दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से खबर मिली कि इसकी डायरेक्ट पोस्टिंग हुई है। हमें तो इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। कोई राज तो होगा, मैं इसे कोर्ट में घसीटूंगा। सर, मेरे कहे पे तुझे यकीन नहीं हो रहा? देखना मेरे सामने वो गिड़गड़ाएगी। लेकिन सर, आप तो सस्पेंड हो चुके हैं। क्या कहा? हाँ सर। तुझे लगता है हम पे हुकूमत चला सकती है? देखिए, ये बिल्कुल अन्याय हो रहा है मेरे साथ। यूं अचानक सस्पेंड करने से पहले मुझे कम से कम इतला तो करना चाहिए था आपको। सस्पेंड करने का पावर सिर्फ सीईओ के पास है। लेकिन रिकमेंड तो आपने किया होगा ना? किया होगा, या फिर किसी बच्चे ने किया हो जिसे जाति के नाम पर आपने परेशान किया हो, या किसी लड़की ने, या किसी शिक्षिका ने जिसे आप परेशान करते हो। आपके खिलाफ फरियाद करने के तो कई रीजंस हो सकते हैं। चलिए रीजन मैं ही बता देती हूँ, लेकिन नहीं क्योंकि आपकी 2 बेटियां हैं। मैं नहीं चाहती आपकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। अगर आपको लगता है कि आपकी हरकतों से परेशान होकर मैंने ये काम किया है तो आप गलत हैं। स्कूल में कुछ ज्यादा ही गर्मी बढ़ गई है। वाकई बहुत गर्मी लगती है। उसकी वजह आपकी बेटी है। अच्छा, वो तो बस अपना फर्ज निभाती है और बदले में अपनी तनख्वाह पाती है। वो देखो आ रही है। हाँ। मैं बात करता हूँ, अब आप जाइए। ठीक है भाई साहब, नमस्कार बहन जी। नमस्ते। बेटा, ये अखबार तो देखो। ये जो इसमें लड़का है वो क्या तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था?
पांडे अमल, कविता, करपागम, मुर्गेशन, मुथुमारी, पजनी स्वामी। पिछले साल 9वीं क्लास में आपने 82 बच्चों को नापास किया। क्या आप जानते हैं उनमें से कई बच्चे इस साल भी यहाँ पर हैं? 10th क्लास का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हम 9th क्लास में थोड़ी सख्ती करते हैं, यही तो तरीका है। मैंने पूछा उनमें से कितने स्टूडेंट्स आज भी यहाँ पढ़ रहे हैं। ये हमें कैसे मालूम चलेगा? लगता है ये बवाल करेगी। 28 बच्चे, 54 बच्चों ने स्कूल आना छोड़ दिया। इसका मतलब है कि इन सारे बच्चों की जिंदगी आप लोगों की वजह से बर्बाद हो गई। क्या आप लोगों को पता है कि इस वक्त ये सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे? इनमें से कुछ बच्चे मजदूरी कर रहे होंगे और कुछ क्रिमिनल्स बन चुके होंगे। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मजदूर और क्रिमिनल्स बने? कुछ आएगा नहीं तो फेल तो करना पड़ेगा ना। फिर तो टीचर्स की भी परीक्षा होगी। देखते हैं आप पढ़ाने के काबिल हैं या नहीं, और जो काबिल नहीं है उन्हें निकाल दिया जाएगा। अगर इन बच्चों ने आपके खिलाफ रिपोर्ट कर दी कि आपने उनके साथ नाइंसाफी की है, तो आपकी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी। क्या आप इन बच्चों को एक चांस और नहीं दे सकते थे? हम उन्हें हायर सेकेंडरी पास करने के बाद ही दोबारा स्कूल बुलाते हैं। हाई स्कूल में फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, फिर 9वीं कक्षा में फेल होना बुरी बात कैसे? मेरा दावा है वो सारे बच्चे पास हो सकते हैं। मैडम, यहाँ टीचर्स बहुत कम है, और जाहिल बच्चों को पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं? जाहिल वो बच्चे नहीं है, सिर्फ आप लोग हैं। सेहतमंद को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सिर्फ होशियार बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं तो आप टीचर्स किस काम के? मैं पीटीए फंड से और टीचर्स बुलवा लूंगी। बात नहीं बनी तो वॉलंटियर्स हैं। मैडम, पिछले साल रिजल्ट को सीईओ और डीईओ ने साइन किया था, अब कैसे चेंज होगा? ये कैसे होगा ये मैं देख लूंगी। उन 82 बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं देख लूंगी। क्या कर रहा है? ध्यान कहाँ है तेरा? ठीक से मारना, इसे तरीके से रखना। हाँ ठीक है भैया, थोड़ा रुकना। सुनो बेटी, तुम्हारा नाम मुत्तुमारी है? हाँ सर। मुर्गेशन, वेलन, आईएनआर, देवी, जेनिफर। प्रिंसिपल मैडम ने तुम्हें पास कर दिया है, तुम 10वीं में चले गए। तुम अपने हाथ धोकर हमारे साथ चलो, जल्दी चलो, प्रिंसिपल मैडम ने अभी बुलाया है। अरे जाओ जाओ, अब अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ प्रिंसिपल मैम का कहना है कि तुमने 9th पास कर ली है, अब 10th में पढ़ सकते हो। हमारा अगला लेसन होगा शोर सॉल्ट के बारे में। शोर सॉल्ट दो तरह के होते हैं, सी सॉल्ट और कोशर सॉल्ट। ए और बी, बी इज इक्वल टू सी। अब ए और बी को मिला दीजिए। अठारह नंबर का घर यही है ना? हाँ यही है। सर हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है, फिर अरेस्ट क्यों करने आए सर? ये बच्चा 7वीं क्लास में है ना? हाँ सर। तो एक महीने से घर पर क्यों है? मेरी कमाई पूरी नहीं पड़ रही थी इसलिए इसे काम पे भेजा सर। 8वीं क्लास पूरी करना ये कायदा बन गया है। बच्चे को अगर स्कूल नहीं भेजोगे तो माँ बाप को गिरफ्तार कर लेंगे। इनकी प्रिंसिपल ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। बोलो क्या करना है? कल से मैं इसे पढ़ने के लिए भेज दूंगी सर। ठीक है, कल से स्कूल आ जाना। सुषमा, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी।
थैंक यू। ए, एकदम ऊपर जाके रस्सी काट। हाँ ठीक है ठीक है, अब उतर जा नीचे। झोला आगे बढ़ाइए, ये लीजिए। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। आपका नाम गीता मैडम है? जी हाँ। एक मिनट जरा दीजिएगा। क्या? ये टमाटर आप लोगों के लिए नहीं है। बात यह है मैडम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा पास हो पाएगा। आपने इसे 9वीं क्लास में पास कर दिया। ये टमाटर ताजे नहीं है मैडम, ये मैं आपको नहीं दे सकता। अच्छा, तो ये किसी और को देना अच्छी बात है। क्या करूं मैडम, घर चलाना है तो करना ही पड़ता है, पर अब नहीं करूंगा। ए मुरुस्वामी, ताजे टमाटर हैं क्या? आज सुबह ही आए हैं टमाटर। मैडम उसके पास है, वहाँ ले लीजिए। मैं इन्हें कूड़े में डाल दूंगा, माफी चाहता हूँ मैडम। ठीक है, ये मैडम वही है ना? हमने इजाजत लेकर बैनर लगाया था सर, फिर भी गिरा दिया। कहते हैं बैनर लगाने के लिए पेड़ काटे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शिकायत कर दी, मैंने दूसरे बैनर का इंतजाम कर दिया। सबके सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। उसके चिंता मत कीजिए, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो सिर्फ एक स्कूल के नहीं बल्कि उन सभी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ काम कर रही है जिनमें अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं। और वो ये सब दिखावे क्यों करते हैं ये तुम जानते हो? बच्चों की तालीम के लिए नहीं, दिखावे के लिए। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गई तो हमें अपने स्कूलों पर ताले लगाने पड़ेंगे। जी नमस्कार, आप तो मेरे बारे में जानती होंगी। बहुत बेहतर जानती। ये लो बेटा चाय पियो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने आपको न पहचानने की गलती कैसे कर दी। मेहमान की बेइज्जती करना हमारी फितरत नहीं, इसीलिए आप यहाँ खड़े हैं। हाँ, आप 56 भोग का इश्तिहार लगाकर भूखे को दावत खिलाने की लालच दे रहे हैं, वो भी ऐसे स्कूल के सामने जहाँ गरीबों के बच्चे आते हैं। एसी रूम्स और शानदार कमरे दिखाकर आप उनका मजाक उड़ा रहे। आपने समझ क्या रखा है? हम बैनर लगाएंगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई सवाल करने की? तुम मुझे मेरे ही घर में धमका रहे हो? तुम अपने काम से मतलब रखो, ये अपने काम से मतलब रखेंगी। अगर तुमने कोई भी वाहियात हरकत करी तो ये तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगी। अब जा सकते हो। अच्छा, मैं काम से काम ही रखूंगा। चलता हूं मोहतरमा। नमस्ते सर। सुनिए, कलेक्टर साहब आए हैं। ओके, आने दीजिए उन्हें। तो आप खड़ी हो जाइए, वहां पर वो बैठेंगे। सर। हेलो सर, वेलकम टू माय स्कूल, तशरीफ रखिए। सुनिए, इनके लिए चाय कॉफी तो मंगवाइए। सरकार की ओर से मुझे इसके लिए कोई फंड नहीं मिलता, अगर जरूरी है तो मैं मंगवा दूंगी। जरूरी नहीं, इंस्पेक्शन करना है, चलिए हमारे साथ। आप अचानक आए हैं, मैं जरूरी काम कर रही हूँ, स्कूल में पढ़ाई चल रही है, आप मुआयना कर सकते हैं। चित्रा, क्या हुआ गीता? आज का प्रिंसिपल कौन है? केल्वी टीचर हैं। उनसे कौन मैंने बुलाया? ओके गीता, आप जा सकते हैं, वो आपके साथ रहेगी। ए प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। गुड मॉर्निंग सर। प्लस बी स्क्वायर। बच्चों, आप सबने लिख लिया क्या? नमस्ते सर। नमस्ते, मैं ही केल्वी हूँ। ओह, टुडेज प्रिंसिपल। जी सर। आइए मेरे साथ, चलो
प्रिंसिपल की कंप्लेंट कलेक्टर से करते हैं। तू कंप्लेंट में कहेगा क्या? पहले हम निठल्ले थे और अब हमें काम करना पड़ता है, या फिर वो हमें टॉफी नहीं चूसने देती। अबे घूर मत, आके बाहर आ जाएंगी। लड़के और लड़कियां अलग अलग लाइन में खड़े हो जाओ, जल्दी करो। रुकिए, काली मोती इधर आओ। कहाँ ना, इधर आओ, जल्दी करो। कहाँ जाओगे? दिल्ली जाऊंगा मैडम। हाथ आगे कर। कैसे जाएगा? हवाई जहाज से। अच्छा जा। अरे तुम तो चंडीगढ़ में ही रुके। छड़ी मुझे दो। अब किसकी बारी है? टीचर, लक्ष्मी तुम इधर आओ। तुम कहाँ जाओगी? मैं ट्रेन से जाऊंगी टीचर। ये लो छड़ी, जाओ। लड़कियां ही जीतेंगी, चलो ताली बजाओ। अगली जगह विशाखापट्टनम है, तुम जहाज से जाओ। टीचर, कलेक्टर साहब आए हैं। नमस्ते सर। ये लीजिए टीचर। तकल्लुफ मत कीजिए, आप बैठिए, तशरीफ रखिए। चलिए आप जाइए, जाइए सब, प्लीज आप लोग बैठिए, पढ़ाई जारी रखिए, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। आप लोग यहीं रुकिए, तशरीफ रखिए। गीता रानी, बहुत सख्त हैं आप। आपके स्कूल के बारे में शिकायत की एक लंबी फहरिस्त आई है, महकमा आपको सस्पेंड करना चाहता है। सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर्स आए, इसलिए मुझे आना पड़ा। अगर आप फाइल्स देखना चाहें तो मैं मंगवा देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं, शुरू के दिनों में मैं भी आप ही की तरह था, इस वजह से बहुत ट्रांसफर्स भी हुई, अब ऊब गया हूँ। क्या आप खाना खाना चाहेंगे? जिसकी कीमत अपनी जेब से चुकानी पड़ेगी। रहने दीजिए, मेरा खाना है, अपना ख्याल रखिएगा। सर, सर आपने देखा उस औरत में कितनी अकड़ है? हाँ देख लिया, तभी तो हिदायत देकर आया हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। मुझे लगा था ये साल मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा, इस बात से मुझे वाकई कितनी खुशी होती। कोशिश की है मैंने, पूरे एक साल कोशिश की है मैंने कि यहाँ कोई दूसरा प्रिंसिपल ना आए, लेकिन इस चुड़ैल ने यहाँ आकर मेरी ख्वाहिशों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। अब तो मेरी नौकरी भी खतरे में है। बहुत दिनों से बकवास सुन रहा हूँ। हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी पुथूर में। मैं अब खामोश नहीं रहूंगा, उसको सबक सिखाना ही होगा। खत्म कर देख तो, कितना शर्मा रही है। हाँ, मैंने से कहा था मेरे पास आकर बैठ जा, पर उसके पास जाकर बैठ गई है तो। गीता, क्यों इतना हंस रही हो? बस ऐसे ही गीता। क्यों हंसी आ रही थी इतनी? हाँ। सुन, तू ही बता दे। आप हमारी दोस्त है, टीचर नहीं, सही कहा ना? पहले हाँ कहिए फिर बताऊंगी। बिल्कुल बोलो। एक लड़का है, वो हमारे साथ स्कूल बस में आता है, वो इसे देखकर हमेशा मुस्कुराते रहता है। तो उसका मुस्कुराना तुम्हें पसंद है? ये भी उसे देखकर मुस्कुराती है। दिल में अजीब सा एहसास होता होगा ना, भूख नहीं लगती, पढ़ाई नहीं होती होगी, हमेशा मुस्कुराती रहती होगी। तुम्हारी उम्र में ऐसा होता है, जिंदगी एक प्यारा सा सफर है, समझी? ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन खुद को संभालना, इस तरह की बातों को अहमियत ना देकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, तभी कुछ बन पाओगी। और अगर रुक गई तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। अगर छोटे छोटे सोने के टुकड़ों को अनदेखा कर दिया जाए तो आखिर में एक बहुत बड़ा खजाना तुम्हें मिल जाएगा, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए आगे बढ़ो, इस तरह की चीजों को नजरअंदाज करके कुछ और सोचो, तभी कुछ कर पाओगी, समझी फरहाना? ठीक है, कल से मैं दूसरी बस से आऊंगी। चला जा रहे। ए सुन, ट्रक वाले गुंडे फिर से आ गए, अब हम क्या करें?
सब निकलो यहाँ से। जाओ। सुना नहीं क्या? तूने बच्चों को भेजने से मना क्यों किया? वो भी हमारे एरिया में। क्यों? तू कोई शहजादी है? हाँ? Hey, बंद कर रे दरवाजा। ठीक है भाई। अरे ये सब क्या कर रहे हो? अभी से पता चलेगा मना करने का नतीजा। अरे रुक जाओ। चाहे मर्द हो या औरत, जो भी हमसे पंगा लेता है वो उम्र भर हमें नहीं भूल पाता। Hey, भाई इसका नक्शा बिगाड़। चलो अब दरवाजा खुलवा दो। खोलता हूँ मैडम, जल्दी माफ कर दो मैडम। ए, चाबी किसके पास है? मेरे पास है। दरवाजा जल्दी खोल दे। बहुत मजबूत औरत है, बार बार के चेहरा सुजा दिया, बहुत ठुकाई की उसने, मुंह का नक्शा बिगाड़ दिया। इसकी भी धुलाई कर दी? सीईओ के मुताबिक कलेक्टर भी उसके साथ है। तुम कोई ऐसी चाल चलो कि पूरा शहर उसके खिलाफ हो जाए, बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम ये काम कर सकते हो ना? जरूर कर सकता हूँ सर। बेटा मैंने लंच में बाहर ही बिरयानी खा ली थी, मुझे पता ही नहीं था कि तुमने मेरे लिए लंच बनाया होगा। बुरा मत मानना, तुमने तो खाना खा लिया ना। ठीक है अब अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद की ना, अब जोर से सांस लो। अब ठीक है ना? बाय बेटा। ठीक है पापा, ज्यादा घूमिए मत, घर जाकर आराम फरमाइए। यहाँ आओ। आज मेरे घर पे मिठाई बनी थी। थैंक यू। कैसी है? आप मुझसे शादी करेंगी मैडम? क्या? मेरे दोस्त ने कहा था कि आप अगर ये मिठाई खाएंगी तो आप मुझसे शादी करेंगी, इसलिए मैंने आपको मिठाई खिलाई। आपने खा ली ना, आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ठीक है मैं शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें थोड़ी राह देखनी होगी। सबसे पहले बड़े हो जाओ, ओके? ठीक है। लेकिन ये बात तुम किसी को भी कभी भी नहीं बताओगे। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। बहुत बढ़िया। छोड़ना क्या कर रहे हो? क्लास में जाओ। हाँ टीचर। आप ये झगड़ा रोकते क्यों नहीं? हम इस झगड़े में क्यों पड़े मैडम? आप इन छोटे छोटे बच्चों से इतना डरते क्यों हैं? बेहतर होगा आप भी इससे दूर रहें। बेवकूफ, मैं कहती हूँ रुक जाओ, बस करो, मेरी पास रुको, रुको, ए हटो। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या ये सब? Stop it! रुको! क्या कर रहे हो? रुक जाओ! हटो!
इन लोगों ने हमारे साथी को मारा है। टीचर, हम लोग भी चुप नहीं बैठने वाले, हम लोग भी इन लोगों को फोड़ेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी आजादी, हमारे लोग। एक घंटे के अंदर इन लड़कों के हाथ से धागे निकाल कर जला दो। मैडम, ऐसा पंगा मत लीजिए, ये बहुत ही नाजुक मामला है। हम यहाँ दूसरे शहरों से काम करने आए हैं, इसमें उलझकर हम जान जोखिम में नहीं डाल सकते। जाकर अपनी माँ के आंचल में छुप जाइए। अगर इतना ही डर लगता है तो घर की चार दीवारी में रहिए। लेकिन घर की छत भी कभी भी गिर सकती है। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देना एक तरह का अपराध है। आज तक ये बात आपको किसी ने समझाई नहीं? जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखो हमें किस झमेले में फंसा रही है। अब हम इसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। मैं आपको एक जरूरी बात बताऊं मैडम, उस प्रिंसिपल ने बच्चों के हाथ से जाति के धागों को हटाकर जलाया है ना, उससे जात पात को मानने वाले लोग बहुत ही ज्यादा खफा है मैडम। जात पात समाज से खत्म नहीं होगा, इसीलिए बर्थ सर्टिफिकेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है। दूसरे मुल्कों के लोग आज चांद तक पहुंच चुके हैं और हमारे देश के लोग आज भी जात पात के नाम पर फसाद करते रहते हैं। और हमारे ये नेता लोग हमेशा एक दूसरे को लड़वाते रहते हैं और उन पर हुकूमत करते रहते हैं। देखिए भीड़ इकट्ठा हो गई मैडम, आज मैं भी उन मुतरमा को देखना चाहता हूँ। यही हमारी प्रिंसिपल है। नमस्ते सर। क्या आप ही है प्रिंसिपल गीता रानी? हाँ, मैं ही हूँ। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं, इसलिए अभी के लिए आप स्कूल के अंदर नहीं जा सकती। वो मेरे विरुद्ध नारे लगा रहे हैं, मैं ही देख लूंगी। लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदार मैं रहूंगी। भाई साहब पैसे। मेरी बात तो सुन लीजिए, यही चाहते ना आप कि मैं चली जाऊं? तो मैं अभी इस्तीफा देकर चली जाऊंगी। मेरे जाने से आप खुश हैं ना? लेकिन आप लोगों से तीन सवाल पूछने हैं। लो फंस गए सारे। क्या पूछना है पूछो। पहले उनसे पूछूंगी जो मुझे पसंद है, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और खास तौर से उनसे पूछूंगी जो मेरे विरुद्ध खड़े हैं। राज्य सरकार का पिछले साल का बजट बताइए। 1,90,00,000 रुपए, जिसमें से 70,000 करोड़ सरकार सैलरी और पेंशन इन दो चीजों के लिए देती है, जो पूरे बजट का 35% होता है। 18,00,000 तो सरकारी कर्मचारी है जिसमे शिक्षक भी है। इसके बाद भी आप रोते रहते हैं, हमेशा कहते हैं कि तनख्वाह कम है, और कुछ शिक्षक तो बेकार में शिकायत करते हैं कि हमें ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता। लेकिन पढ़ाई का स्तर कितना बुरा है, बच्चों को जरूरत की चीजें नहीं मिलती, उन्हें तो ठीक से पढ़ाया तक नहीं जाता। सिस्टम में तब्दीलियां जरूरी हैं, लेकिन आप लोगों ने इसके खिलाफ कभी आवाज उठाई है? और हाँ नेताजी, आपके झंडे तो शहर भर में लगे हैं, आपकी पार्टी के ऑफिस भी जगह जगह पर है। लेकिन अच्छा तो ये होता कि आप लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाते, लेकिन आप तो जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं और इसी से पैसे बनाते हैं। अपनी जाति के कितने गरीब लोगों का भला किया है आपने? जाति के नाम पर आपको जितने पैसे मिले हैं, उतने पैसे में तो न जाने कितने बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर लेते, और कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाने के बारे में सोचते। अपने गुंडों और चमचों के अलावा और किसका अच्छा किया है आपने? बोलिए क्या जवाब है? तो मेरे लोगों को मेरे खिलाफ भड़काना चाहती है? एक सवाल बाकी। मैं तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं तेरी जैसी औरतों से वाकिफ हूँ। चलो रे यहाँ से। चलो चलो चलो। ठीक है, दिमाग खराब कर दिया। तुम टीचर्स के खिलाफ क्यों रहती हो? मैं विद्यार्थियों के साथ हूँ। अगर तुम लोगों ने काम पर ध्यान नहीं दिया तो तनख्वाह की जगह तुम लोगों का नाम करप्ट लिस्ट में होगा। हमारे यहाँ के 38 शिक्षकों के बच्चे आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वो लोग अपने हाथ उठाए जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं।
जब आपको ही खुद पर यकीन नहीं तो दूसरों को कैसे होगा? अब मैं स्कूल में जा रही हूं, जिसमें हिम्मत हो रोक कर दिखाए। उसके चेहरे पर डर नहीं देखा मैंने। कोई भी सवाल करो उससे होशियारी से जवाब देती है, और अब पूरा शहर उसे जानता है। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमारी इमेज खराब होगी। सोच समझ का कदम उठाना होगा। क्यों, क्या हुआ? पहले तो बहुत फुदक रहे थे। मैं तुम्हारे अंदर की घबराहट महसूस कर सकता हूँ, और उससे मुझे भी सबक मिल रहा है। अब हमारा अगला कदम ऐसा होना चाहिए कि वो कभी ना भूले, लेकिन उसके लिए हमें उसकी पूरी जन्म कुंडली अच्छे से जाननी होगी। मुझे लगता है मैडम को पता चल गया कि इसमें तुम्हारा ही हाथ है। हरीश तो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में अदालत का चक्कर काट रहा है, और उसके बाद तुम्हारी नौकरी जाएगी। परेड दाएं मुड़ेगा, एक दो तीन चार एक। परेड आगे बढ़ेगा, बाएं मुड़ेगा, एक दो तीन चार एक। परेड सावधान, एक। परेड सावधान, एक। परेड बाएं चलेगा, बाएं मुड़, एक, एक दो तीन चार एक। परेड आगे को तेज चल, एक दो एक, एक दो एक, एक दो। परेड रुके ना भाई, एक दो। अरे वहां देख, सामने क्या हो रहा है? आखिर हो क्या रहा है? मैं ठीक हूँ। कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। मैम मैं चलूं? आप जाइए प्लीज। ठीक है जी मैडम। अगर उसे पूछताछ करे तो वो सब कुछ बता देगा। जाओ पूछो उसे। सिंह साहब, अरे सिंह साहब मेरी बात तो सुनिए। ऐसे चल रहे हो जैसे दौड़ रहे हो। आप मैडम के साथ क्या बात कर रहे थे? और ये मैडम आखिर है कौन? देखो जी मैनू हिंदी नहीं आंदी। मैनू पंजाबी नहीं आंदी है। जाओ उसे बुला कर लाओ जिसे पंजाबी आती है। किसे पूरी आती होगी? अरे ढूंढना। अरे पाजी किथे हो तुसी? आजा आजा पुत्तर। अरे ये किसे लेकर आ गए? सर ये गराज वाले का बेटा है, रोज पंजाबी मूवी देखता है। चल बेटा पंजाबी बोल को दिखा। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल पुत्र। देख लिया? मैनू पंजाबी आंदी है सर जी। मैंने जो कहा इनसे पूछो। ऐ मैनू पूछिया कि मैडम इत्थो पहले किथे काम करिया सी। मैडम जी बहुत महान ने, शक्तिशाली ने, इंडियन आर्मी विच लेफ्टिनेंट कर्नल सिगे। मैडम मिलिट्री की एक बड़ी अफसर रह चुकी है। हाँ मिलिट्री में? हाँ। चीजें होती हैं, आक्रमण, आत्मरक्षा और असफलता। ये तीनों हमारे कंट्रोल में हैं। आक्रमण करने से हम आगे बढ़ते हैं, आत्मरक्षा से ताकत बढ़ती है, और हार से हमारा नवीनीकरण होता है। इससे हमें नई राह मिलती है। समझ गए? रिलीव होना क्यों चाहती हो? अब मैं छोड़ सकती हूँ इसलिए। ये फिजूल की बातें मुझे मत बताओ।
तुम इतने काबिल हो कि आला ओहदे पर पहुंच सकती हो। नाज है कि मैंने मिलिट्री में काम किया, लेकिन अब मेरा जाने का वक्त हो गया है। तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से तुम तहसीलदार, डेप्यूटी कमिश्नर, कोई भी पोस्ट ज्वाइन कर सकती हो। फिर ये स्कूल में प्रिंसिपल बनने की जिद क्यों? हाँ, तुम्हें तो मिलिट्री स्कूल में प्रमोशन भी मिला था। बहरहाल कोयम्बटूर या मदुराई जैसे बड़े शहर को छोड़कर दूर दराज बसे इस पुथुर में जाने का फैसला क्यों किया? मुझे वहीं जाना है सर। हाँ ओके, लगता है तुमने पहले से ही सब तय कर रखा है। मुबारक हो, अपना ख्याल रखना। ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। चचा तुम तो गए, तुमने शेरनी से झगड़ा मोल ले लिया है। मिलिट्री से? अंधेरे में आगे बढ़ने का मादा रखने वाला उसके मुकाबले कहीं बेहतर होता है जिसके हाथ में मशाल होती है। ये बात मेरी नानी ने कही थी और ये सच है 100%। नहीं मालूम था कि ये इतनी ताकतवर मोहतरमा है, ये तो हमेशा बिल्कुल चुप रहती है। क्या हुआ, आज कुछ बोल नहीं रहे? नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। उस रोज आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, सारी गलती टीचर की नहीं होती है, सिस्टम ही सही नहीं है। हमारे बगल में एक बच्चा रहता है, वो गणित में 100 नंबर लाया, बायोलॉजी में 64 नंबर और 12वीं में फेल भी हो गया। अब वो मैथमेटिक्स में BSc कर पाएगा? कॉलेज वाले उसे करने नहीं देंगे। हमने एक मैथमेटिक जीनियस को खो दिया। प्रिंसिपल मैडम, हर एक टॉपर जीनियस नहीं हो सकता मैडम, हालांकि हर सब्जेक्ट में बेहतर होते हैं। मैडम आज कितने इंजीनियर सिस्टम की वजह से डिलीवरी बॉय बन चुके हैं, कितने ऑटो चला रहे हैं, कितने सब्जियां बेच रहे हैं। ये अंग्रेजी में क्या क्या लिखा है इस कागज पर? हा? अगले हफ्ते यहाँ जिला स्तर का टूर्नामेंट होने वाला है। ठीक है, हम हिस्सा लेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, इस बार भी हमारी स्कूल का नाम अखबारों में छपना चाहिए। ठीक है सर। अगर नहीं छपा तो तुम सबकी फोटो में चंदन की माला होगी। और महज मैं ये चेतावनी नहीं दे रहा। ओके सर। जब देखो खाता ही रहता है। इसे कहते हैं मुखासन। मैं बाकी आसन नहीं करता इसलिए ये कर लेता हूँ। तू कभी नहीं सुधरेगा। अकाउंट में गड़बड़ कर लो कर लो। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। गीता मैडम ने आपको बुलाया है सर। हाँ? क्यों, क्या पता सर? सर जी ये तो कमाल हो गया। इसी बात पे हाथ मिलाओ, लाओ। आप हुजूम लेकर आए थे ना, अब पक्का आपकी नौकरी गई। जाइए, आज तो तेरा मुंडन होगा गंजे। मैडम आपने मुझे बुलाया। ये लीजिए। ये रहने दीजिए। देखिए तो। ये क्या है मैडम? अगले हफ्ते यहाँ जूनियर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है, आप उसके इंचार्ज रहेंगे। मैडम ये गणित के टीचर हैं और मैं हिंदी की टीचर हूँ। तो आप अभी से पीटीए फंड के बारे में सोच रही हैं? मैं फैसला करूंगी कौन इंचार्ज बनेगा और कौन नहीं। पिछले 6 साल से आप ही संभाल रही थी ना, हमारे स्कूल ने कुछ भी नहीं जीता। इस साल भी अगर कुछ नहीं जीता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये नारे लगाने के लिए लोगों को जमा कर सकते हैं तो बच्चों को जमा करके कुछ भी करवा सकते हैं। क्या दादागिरी है। पीछे चलो पीछे। फील्ड के आसपास कोई भी पीटी मास्टर दिखाई दिया ना तो मैं उसकी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। सब अपने अपने नंबर से आना। जैक 64।
ठीक से नोट कर रहा है ना? सर, हमारा बच्चा और आगे तक कूदा था। मैं क्या यहाँ मक्खी मार रहा हूँ? बकवास करोगे तो तुम्हारी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। निकलो। मैडम, ये लोग धांधली कर रहे हैं। मैडम मैडम, जीत हमारी है, गलत वो आदमी कर रहा है। आप कुछ बोल भी नहीं रही हैं। तुम्हारा गुस्सा जायज है, उसे सही जगह दिखाओ। सर, क्या मैं आपसे 3 सवाल कर सकता हूँ? क्या है सर, आपकी आंखें ठीक है ना, या फिर आपको अंकों का फर्क नहीं समझता? रुको, तीसरा सवाल मैं करूँगा। अगर मैं तुम्हारे बच्चों को गलत नंबर दूं तो चलेगा? अरे जीतने वाले को उसका हक दो ना। तुम्हारी इतनी जुर्रत, मुझसे बहस करोगे? अब तुम्हारी टीम को मैं डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। अरे सिर्फ टीम को ही नहीं, पूरे स्कूल को डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। निकल जाओ, जाओ, गेट आउट। इस नेचर ने जो हमें चीजें दी हैं, उनमें चांद, सूरज, आसमान। हमारे स्कूल का नाम लिया गया था, तुम इतने मायूस क्यों लग रहे हो? तुम्हारे दिल की धड़कन मुझे सुनाई दे रही है। मुझे डर लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा। तो हारने से पहले डरना क्या, हार जीत तो होती रहती है। अगर ऐसा हुआ तो कमाल हो जाएगा। मैंने तुम्हारा ऐसे पढ़ा है, बहुत बढ़िया लिखा है। 10 ग्राम चिप्स की कीमत 1 रुपया होना चाहिए, लेकिन बिकते 10 में है, क्योंकि पैकिंग और इश्तेहार में 90% खर्च हो जाता है। मतलब माल 10% का और दिखावा 90% का। कामयाबी पक्की। सभी साथियों को इकट्ठा करो और मार दो छक्का। जाओ। पहले तो आपको डिस्क्वालीफाई करूंगा सर। सस्पेंशन बोनस, इन्होंने की हुई इवेंट्स को दोबारा करवाया जाए। समझ आ गई? समझ गया सर। तो डर किस बात का? अगले नंबर पर है उत्तर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के एस वदीवर। भले ही किसी के कानों तक मेरी आवाज ना पहुंचे, भले ही किसी की नजरें मेरे इशारों को ना समझे, जब आप पूछेंगे क्यों, मैं कहूंगा कुदरत देख रही है। कुदरत जो हमें सांस लेने में मदद करती है, कुदरत जो खुशबू फैलाती है, जो हमें संगीत सुनाती है। On your marks. Set. अगर शेर गीदड़ से हार गया तो शेर क्या करेगा? चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। अगर लोगों को पता चल गया कि हम कहीं के नहीं रहे तो तुम्हें तो चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा। एक औरत जात ने तुम सबके छक्के छुड़ा दिए। तुम सब नाकारा हो, दफा हो जाओ।
सॉरी सर। ठीक है, जीतने वाले हर स्टूडेंट से बात करो, हमारी स्कूल में उनका दाखिला मुफ्त में करो। 8 सीट है सर, 50,000 के हिसाब से 4 लाख होते हैं सर। पिछले साल प्रमोशन पर हमारे 14 लाख खर्च हुए, अगर हमने उन्हें दाखिला दे दिया तो हमारी स्कूल का नाम 10 बार न्यूज़पेपर में आएगा। मतलब फ्री प्रमोशन, मतलब खर्चा आधे से भी कम, मतलब 3 लाख की बचत। आइंदा मुझे गणित मत सिखाना। आपसे मिलने की ख्वाहिश थी, गवर्नमेंट स्कूल का वाइस प्रिंसिपल था। नमस्ते सर। अच्छा तो तुम वाइस प्रिंसिपल थे? जी हाँ सर, और किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसने मुझे बेवजह सस्पेंड किया। तुम झूठ भी बोल सकते हो ना, इसलिए सच्चाई क्या है इसका हम भी पता लगाएंगे। वहाँ के स्कूल के टीचिंग स्टाफ की हालत बहुत खराब है सर, हमें उनका उद्धार करना चाहिए। काम के नाम पर उनसे जानवरों की तरह काम कराया जाता है, ठीक वैसे जैसे प्राइवेट स्कूल के टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ। 2 दिन बाद वहाँ एनुअल डे का समारोह है, उनका एनुअल डे आपकी टक्कर में कम नहीं होगा। जरा सोचिए इससे आपके स्कूल पर क्या असर पड़ेगा। हमारे फायदे की बात कर रहा है? यस सर। वहां पर एक गुलदस्ता भिजवा दो। ठीक है सर। ये दुरुस्त रहेगा ना? बिल्कुल दुरुस्त रहेगा सर। ने आपको मुबारकबाद दी। थैंक यू। लो, क्या कहा था? हाँ? घमंडी औरत, इसने मुझे चुनौती दी थी, देखा कैसे मैंने इसका गुरूर तोड़ दिया। तुमने 14 साल की नौकरी में तुमसे पहली बार किसी ने काम करवाया है, तो जरा ये बताओ तुम जीते या मैडम जीती? हाँ? अबे बादाम खाना शुरू कर दे। बाबा। शाबाश बेटा। थैंक्स पापा। ये देखो, ये देखो। बहुत खूब बेटा। शाबाश। हाँ, रिपोर्ट तो बहुत अच्छी है सर। मेरे साथ चलो मम्मी। चलो मेरे साथ। मम्मी ये क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। क्या हुआ? चलो। अब मान गई कि मेरा बेटा जीरो नहीं है। नेक्स्ट प्राइस है कुमार प्लस वन सी। तुम्हारा बेटा उम्र भर कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरी बद्दुआ है, इसका कभी भला नहीं होगा। आपने सही कहा था, मैं अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत डरी हुई थी। धन्यवाद। क्या हो गया सर, आपने गुलदस्ता भिजवाया था लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। अब होगा, इंतजार करो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन मैडम? आ जाइए। मुझे एमएससी स्कूल से भेजा गया है, हमारे प्रेसिडेंट चाहते हैं कि मैं आपसे कुछ बात करूं। बैठिए। शुक्रिया मैडम, आप बहुत बेहतर काम कर रही हैं मैडम, हर तरफ सिर्फ आपकी ही बातें हो रही हैं। आपकी ये कोशिश सिर्फ यहीं पे सीमित नहीं होनी चाहिए, सरकार आपकी खूबियों का कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगी।
सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही आपके खूबियों का सही इस्तेमाल कर सकती है और उसका सही भुगतान दे सकती है। मेरे कहने का मतलब है आप एमएससी स्कूल की प्रिंसिपल बन जाइए। मैं अपने मैनेजमेंट की तरफ से आपको ये ऑफर दे रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने आपके लिए फूल भेजे थे। उसके साथ ही आपके लिए एक और तोहफा है, गिन लीजिए। इसमें क्या है? 5 लाख कैश, सर ने आपके लिए ही भेजा है। तो आप मुझे अपने स्कूल के प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं? मैं उनसे जरूर कहूंगी कि आप बड़े ही ईमानदार हैं। इसे लेकर चलते बनिए। मैडम सर बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी क्या जरूरत है वो हमें बता दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, वो आपको मना थोड़ी करेंगे। दिखने में तो आप समझदार लगते हैं, इस नौकरी को ज्वाइन करने से पहले ये समझदारी क्यों नहीं दिखाई? अब चले जाइए यहाँ से, मैंने कहा जाइए। मुझे भगा दिया, उसने मेरी इज्जत उतार दी सर। चल तफा हो। उसने तो कम ही बेइज्जती की थी। मेरे जहन में तो कुछ और ही चल रहा था। क्या चल रहा था? मैं सोच रहा था उसमें बम है। क्या तुमने मुझे शैतान समझ रखा है? तू चाहता है मैं मासूम बच्चों की जान ले लूं? इस स्कूल में तू टीचर बनने के लायक नहीं है। कत्ल करने और जीतने में बहुत बड़ा फर्क होता है। उस औरत ने मुझे चुनौती दी है, मैं उसे हरा कर रहूंगा, लेकिन तू इस स्कूल से दफा हो जा। चल। मेरे पास एक और तरकीब है सर। पको। 82 स्टूडेंट जो पिछले साल 9वीं कक्षा में फेल हुए थे ना, उसने उन्हें 10वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया है। परीक्षा 10 दिन बाद है, हॉल टिकट भी आ चुके हैं। अगर इस पॉइंट पे केस फाइल करें तो हम उसे फंसा सकते हैं। तूने सही फरमाया, आइडिया बुरा नहीं है, बाकी मैं संभाल लूंगा, लेकिन तू यहाँ आसपास भी मत दिखना। वहाँ पोछा लगा जहाँ पर ये खड़ा था। मेरे दामाद को फोन लगा। वजह फरमाया। अंदर आओ, बताओ तो क्या लाए हो? आज कुछ नहीं लाया। तो फिर? कल कुछ लोग लड़की का हाथ मांगने आए थे, मैंने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा शादी के पहले लड़की का हाथ मांगना पड़ता है, उसके बाद ही लड़की से शादी होती है। क्या मतलब? इसलिए मैं आपका हाथ मांगने आया हूँ। ए, अपनी उम्र देखी है तुमने, क्यों मम्मी पापा से कम्प्लेन करूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मैडम, मेरा भाई बात कर लेगा, वो 7वीं में है। मौत होगी तो जाओ क्लास में। लगता है गुस्सा आ रहा है। ये लो नई पेंसिल, सिर्फ तुम्हारे लिए, रबड़ वाली पेंसिल। बहुत बदमाश है वो, शादी करने के लिए कह रहा था मुझसे। शायद वो तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता है, बहुत से लोगों के रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम हो कि अपने फैसले पर ही अड़ी हुई हो। आपके सोने का वक्त हो गया, गुड नाइट। हमेशा मुझे खामोश कर देती है। पापा वॉक के लिए नहीं जाना है? पापा, पापा,
जल्दी से घर आ जाइए। लगभग 2 घंटे पहले इनकी मौत हो चुकी है। अगर आपने रात में ही मुझे खबर कर दी होती तो शायद मैं कुछ कर पाता। इनकी रिपोर्ट बना दीजिए। ठीक है। गीता मैडम। हेलो मैडम। ममता मैं आज फर्स्ट हाफ में नहीं आऊंगी। ठीक है मैडम। ओके। आपके पिताजी बीमार है क्या? नहीं वो गुजर गए। क्या मैं चलूं? आपका शुक्रिया पर मैं संभालूंगी। आप चलिए मैं आपको फॉलो करती हूँ। जी ठीक है। अरे अरे अभी बॉडी को नीचे मत रखो। हैं? मैडम यहाँ कैसे आ गई? रुकिए मैडम आप अंदर नहीं आ सकती। ऐसी जगहों पे औरतों को नहीं आना चाहिए। सामने से हटो। हैं? साईं, दोपहर की छुट्टी में सारा स्टाफ प्रिंसिपल से मिलने उनके घर जा रहा है, हमें भी चलना चाहिए। ठीक है। हे, हाँ? उस तरफ देख। इसके बाप को गुजरे 1 दिन भी नहीं हुआ और ये यहाँ चली आई। कितनी बेरहम है ना, इसका दिल कठोर है। बच्चे परीक्षा के लिए तैयार है। इन आंसुओं को मत रोको बेटी, बह जाएंगे तो दिल हल्का हो जाएगा।
साहब ने कहा था, हमने आपके साले का मामला पूरी तरह से सेट कर दिया। काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, थैंक यू। ससुर जी, क्या हुआ? काम हो गया अपना? जो आप चाहते थे वही होगा। कल उनमें से कोई भी बच्चा पर्चा नहीं दे पाएगा। बहुत खूब बच्चों, अब तुम लोग एग्जाम दे सकते हो। तुम्हें काफी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। विश्वास नहीं होता कि यहां आकर मुझे एक साल हो गया और मैंने कुछ भी नहीं किया। इसने कुछ भी नहीं किया? मैंने पढ़ाई के लिए प्रेशर डाला और आपको पढ़ाने के लिए टीचर्स पर अगर आप पास होते हैं तो इसका श्रेय आपको मिलेगा, और कोई गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी मेरी होगी। आपके स्कूल के कुछ शिक्षक 100 रुपए देंगे उन बच्चों को जो उनकी बुक्स को अच्छी तरह से पढ़कर पूरी करके दिखाएगा। किताबें समाज को बदल सकती हैं, ये एक सच्चाई है। जहाँ तक बात प्रैक्टिकल स्किल्स की है तो उसमें कुछ लोगों ने बढ़िया काम किया है। मैथ्स के पूरे फॉर्मूले को एक गाने की तरह बना देना, ये सिर्फ एक जज्बा है। पर बस एक ही अफसोस है कि हमारे स्कूल में ऐसे शिक्षकों की बहुत कमी है। टेक्नोलॉजी के होते हुए भी आप लोग आगे नहीं बढ़ पाए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट स्कूल के 1% बच्चे भी नहीं जाते। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 5% ही जा पाते हैं। वो बच्चे जो गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं। एजुकेशन के लिए उन्हें सिर्फ 50% रिजर्वेशन दे दे तो गरीबी को मिटा सकते हैं। पर सरकार कौन सी गरीबी को मिटा रही है ये तो वही जाने। हालात ऐसे हैं तो जरा सोचिए, ये जंग आखिर कब तक चलेगी? आपके कोर्स के हिसाब से ही दुनिया आपको देखेगी। जिस तरह इस दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल अलग होते हैं, उसी तरह टैलेंट भी अलग होते हैं। अपने टैलेंट को तलाश कर आगे बढ़िए। सभी को शुभकामनाएं। बहुत अच्छी साजिश की है उन लोगों ने। जिन बच्चों को आपने पास करवाया वो कल इम्तिहान नहीं दे सकते। पर साइन कर दीजिए, क्वेश्चन पेपर्स आ गए हैं। कितने पेपर्स आए हैं? मुझे पता नहीं है मैडम। परीक्षा के बाद मुलाकात करते हैं। ये उसे दे दो। आगे दो। सभी को क्वेश्चन पेपर मिल गए? अपना नंबर लिखो। जरा हटेंगे, पहले ही लेट हो चुका हूं। सब लोग बैठ जाओ। ये लो पास कर दो। मुझे देर हो गई है इसलिए सबको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ ठीक है। और ससुर जी मस्त खुशी मना रहे ना? सब एग्जाम दे रहे हैं, जल्दी कोर्ट जा। ये कैसे हो सकता है? Thank you.
बहुत अच्छी साजिश की है उन लोगों ने। जिन बच्चों को आपने पास करवाया वो कल इम्तिहान नहीं दे सकते। पापा, आपके लिए प्रिंसिपल मैडम का फोन है। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मेरी एक गुजारिश है आपसे। मुझसे? हाँ हाँ बताइए, बोलिए। 9 के बच्चों की परीक्षा में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। आप मंत्री जी से बात कीजिए। ऑफिसर्स मंत्री के ऑर्डर्स को मना नहीं कर पाएंगे। आपकी गुजारिश को मैं टाल नहीं सकता, पर मैं उनसे 7 साल बाद बात करूंगा, वो भी सिर्फ आपके लिए। थैंक यू। यू आर वेलकम। ससुर जी, क्या हुआ? हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं मिला। उन्होंने सुनवाई आगे बढ़ा दी। ये ठीक नहीं हुआ, हम हार सकते हैं समर वेकेशन के बाद। हरगिज नहीं, ऐसा जुगाड़ लगाऊंगा कि जजमेंट अपने फेवर में ही आएगा। आप चिंता मत कीजिए। जीतने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। नमस्ते प्रिंसिपल मैडम, कैसे मिजाज हैं? सोचा आपके घर पे आपकी दीदार करूं, लेकिन अफसोस कि आपके पिताजी नहीं रहे। तो अब मुझे चाय के लिए कौन पूछेगा? आपका तहे दिल से शुक्रिया कि मुझ जैसे नाकारा को आपने मेहनती बना दिया और साथ ही एक सबक भी सिखा दिया। आज आप ठीक मेरे बराबर खड़ी हैं, लेकिन जब अगले साल स्कूल खुलेंगे तो सिर्फ आप ही नहीं, वो स्टूडेंट जिन्हें आपने क्लियर किया, स्कूल का मुंह नहीं देख पाएंगे। लोगों के लिए काम करने के बजाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई हमारे लिए काम करते हैं। अब इजाजत दीजिए। मैडम, आप छुट्टियों में स्कूल क्यों जा रही हैं? कल परीक्षा का परिणाम आने वाला है, उसी के लिए जा रही हूँ। मैडम, ये एग्जाम वगैरह बंद हो जाने चाहिए, इसके मुतालिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये लीजिए। शुक्रिया मैडम। हेलो टीचर, आप यहाँ? नमस्ते मैडम। आज मेरा स्कूल का आखिरी दिन है, मैं रिटायर हो रही हूँ और स्कूल में छुट्टियाँ हैं। जब स्कूल खुलेगा तो आप सबको मेरे बारे में बता दीजिएगा। आइए वहाँ बैठते हैं। स्कूल के साथ मेरा ये रिश्ता बहुत पुराना है। मेरे हस्बैंड भी इसी स्कूल में पढ़ाया करते थे। यहीं उनसे मुलाकात हुई थी। हमारा एक बेटा था, उसने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की थी। आपका ही हम उम्र था। एमएड करने के बाद वो टीचर बनना चाहता था, अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया था। ज्वाइन करने से पहले
उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका नाम कदीरन, कदीरसन। 1995-98 बीएससी अगप्पा यूनिवर्सिटी, उसके बाद एमएससी किया। हम साथ में ही पढ़ते थे। बीएड के बाद आर्मी ज्वाइन किया था मैंने। उसे नौकरी मिलते ही हम शादी कर लेंगे यही सोचा था। नौकरी मिलते ही उसने कहा कि हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। मदुराई एयरपोर्ट पर गुड बाय बोला था और फिर उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। उसकी मौत की बात सुनी, वो जब कभी भी मुझसे बात करता इस स्कूल के बारे में बताता, और आज उसी स्कूल में मैं बिल्कुल अकेली हूं। वो इसी स्कूल में था ना, उसने कहा था कि रानी जैसी पत्नी लाएगा। इसी नाम से पुकारता था, रानी, गीता रानी। क्या मैं आपके यहां आ सकती हूं? ऑफिस की चाबियां चाहिए। आपके नाम का अरेस्ट वारंट है। अच्छा सुनो, मैडम को 3 बजे कल हाजिर करना है और फॉर्म पर उनकी साइन लेकर सेंट्रल जेल भेज देना है। ध्यान रखना कोई भूल ना जाए। सर, आप जल्दी से बाहर आइए। अब क्या हुआ है? अंदर मत छोड़ना, ध्यान रखना। हमें उन्हें कोर्ट में 3 बजे हाजिर करना है, पर भीड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। देखिए, भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर लाठी चार्ज की परमिशन नहीं मिली तो कुछ नहीं हो पाएगा, और सच कहूं तो ये लोग बात समझेंगे नहीं। इसलिए बात को समझिए, यहां और पुलिस फोर्स भेजिए। ठीक है सर, बाकी बातें मिलने पर हो जाएंगी। मैं बस अभी आया। थैंक यू सर। हमें वकील के पास चलना है, बड़ा नामी वकील है, डिफेंस में बड़ा नाम है उसका। मैडम अब जेल से रिहा हो जाएंगी, चलो चले। ये कोर्ट का आदेश है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? क्या हम आम इंसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा? आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में? इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आप हमारी परेशानी को नहीं समझ सकते सर। मेरी बात क्यों नहीं समझना चाहते?
खामोश हो जाइए, मैं कह रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे कुछ और बंदोबस्त करना पड़ेगा। आप लोग खामोश हो जाइए और मेरी बात सुनिए। ये लोग तो सुनते ही नहीं। आपसे पहले कहा था सर। क्या मैं उनसे बात करूं? नहीं मैडम, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो लोग बेकाबू हो सकते हैं। आरडीओ बड़े साहब से बात कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि ये मसला वही सॉल्व करें। सर मैं समझा के थक चुका हूँ, ये लोग सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। पुथोर के गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल गीता रानी को आज सुबह 10:30 बजे स्कूल से गिरफ्तार कर लिया गया। 1 साल पहले ही उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने उन बच्चों को 10th की एग्जाम दिलवाई जो 9th में फेल हो चुके थे। गीता रानी के अरेस्ट होने की वजह से स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स नाराज हैं और उन्हें छोड़ने की मांग कर रहे हैं। वो पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दे रहे हैं। प्रशासन उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई उनकी बात नहीं मान रहा। लगातार उन्हें छोड़ने की मांग की जा रही है। नमस्ते सर। नमस्ते, आप लोग कौन? फोन पे बात हुई थी ना आपसे। ओह, इन्हें बाद में भेज देना। पता नहीं क्या करने वाले हैं, पर हम हार नहीं मानेंगे। मैम, आपको भूख लगी होगी ना? आप चाहे तो ये खा सकती हैं। जो बाहर बैठे हैं वो भी भूखे हैं। पूछने के लिए थैंक्स। जरा सुनो सर, सारे के सारे स्कूल के बच्चे हैं तो उन पर लाठीचार्ज कैसे करें? और हर तरफ मीडिया के लोग हैं, हम सुबह तक वेट करते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकल आएगा। कल 10वीं का परिणाम है, पहले मैं देखना चाहती हूँ। अगर आप यहाँ रहेंगी तो देख पाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज रात को आपको सेंट्रल जेल भेज दिया जाएगा, वहाँ मुश्किल होगी। ओ, ऐसा क्या? ठीक है, मैं देख लूंगा। देखिए, उन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए। 9th क्लास के स्टूडेंट्स पास हैं या फेल ये डिसाइड करने के लिए उन डॉक्यूमेंट्स पर 3-4 ऑफिसर्स के साइन होने चाहिए। अब कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, उस औरत ने सारे फैसले अकेले लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखिए, ऐसे मामलों में सबसे पहले डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है। जब कोर्ट को कोई लापरवाही नजर आती है तो मैटर सीरियस माना जाता है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 11:30 से ज्यादा बच चुके हैं पर कोई यहाँ से हिलने को तैयार नहीं। ये लोग ना ही अथॉरिटी से बात करना चाहते और ना ही मीडिया से। ये सभी अपनी जिद पे अड़े हैं। ये हर हाल में प्रिंसिपल मैडम की रिहाई चाहते हैं। देखते हैं कि ये कोशिश कामयाब हो पाती है। मैंने सोचा तो कुछ और था, लेकिन हो गया कुछ और। हमने खामखा उसे पब्लिसिटी दे दी। अब अगले साल 5 लाख और पब्लिसिटी पर खर्च करने पड़ेंगे। अपने आदमियों को उनमें शामिल करके भगदड़ मचवा दूं? पूरा शहर उसका दीवाना है, अब मुल्क में मशहूर करना चाहता है क्या? समझ में नहीं आ रहा इस मामले को कैसे संभाला जाएगा। पुलिस ऑफिसर अपने अथॉरिटी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। साहब, कलेक्टर साहब लाइन पर है। हाँ, हाँ, जी सर, कहिए सर। हालात कैसे हैं? वैसे ही है सर, समझ में नहीं आ रहा है कि स्थिति को काबू में कैसे करें। गौर फरमाइए। बोलिए सर। जो भी लीगल प्रोसीजर होता है फॉलो किया जाए। ठीक है सर। काम आसान हो इसलिए डेप्यूटी कलेक्टर को भेज रहा हूँ। ठीक है सर। जी सर। वो किसी की मानने को तैयार ही नहीं। रुकिए, मैं आप सबके सवालों के जवाब दूंगा। पीछे हटिए, पीछे हटिए। हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, कोई कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता, वारंट इश्यू हो चुका है। पुलिस अपना काम कर रही है। जहाँ 4 अफसरों के दस्तखत चाहिए थे वहाँ उन्होंने खुद ही दस्तखत कर दिए। उन्होंने यही गलती की। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपने अपने घर जाइए। ये रही डिटेल्स। ओके मैम, परिणाम आते ही प्रिंट आउट दे दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, आप यहीं बैठे रहिए। वो प्रिंसिपल को कतई नहीं छोड़ने वाले। छोड़ दो, छोड़ दो। प्रिंसिपल गीता रानी को छोड़ने की मांग को लेकर
जोधपुर पुलिस स्टेशन के सामने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में मतलब सुबह के 10 बजे 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। कोर्ट का निर्देश मिले 24 घंटे हो चुके हैं और प्रेशर बहुत ज्यादा है। पापा मुझे फोन दो ना, रिजल्ट आने का टाइम हो गया है। होम सेक्रेटरी। यस सर। ठीक है सर। यस सर। ये लीजिए मैडम। ये बात है। ठीक है सर। पापा, क्या है? मैं एग्जाम में पास हो गया। जल्दी देख, मैं पास हो गया। पास हो गया? अरे क्या, मैं पास हो गया। मेरी बात सुनिए, जिन 82 स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल ने 10th में प्रमोट किया था उनमें से 79 पास हो गए और उन्हीं में से 14 बच्चों ने 400 से अधिक अंक पाए हैं, इसलिए कोर्ट ने प्रिंसिपल को रिहा कर दिया है। का कहना है कि कुछ अफसरों ने कहा है कि बच्चे परीक्षा में बैठने लायक नहीं है, लेकिन बच्चों ने अपनी 10वीं की परीक्षा पास करके उन अफसरों को जवाब दे दिया। लड़कर उसे रोकने की बजाय सिर्फ उसके विरुद्ध बोलने से आप भी अन्याय का भाग बन जाते हैं, लेकिन जो उसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं, उसके विरुद्ध लड़ते हैं, वही इतिहास बनाते हैं।